अपनी स्क्वायर बेटा आज के टॉपिक है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। आगे आते हैं आपको उसके बारे में सही से बेटा आपको मैं करा दें मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। मैग्नेटिक स्क्रीनिंग और मैग्नेटिक शील्डिंग एक ही बात है। प्लीज हरी अप। अगर ये आयरन बार है आयरन नब्बी स्क्वायर यहां पे आयरन फिलिंग्स पड़ी हुई है। व्हेन आई विल ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट क्लोजर टू द बार तो क्या होगा आपको पता है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। जब यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसके करीब लेके आऊंगा इसको फिक्स किया हुआ है हिलने नहीं दे रहा मैं यहां पे बेटा सुनो प्लीज नॉर्थ पोल तो आपको पता है फॉरन क्या होगा। हाँ भाई खुदा बेटा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोजर टू द आयरन नेल आयरन पीस व्हाट विल हैपन मैग्नेटिक इंडक्शन होगी ना ये मैग्नेट बन जाएगा कौन सा पोल बनेगा ऊपर साउथ पोल बनेगा प्लीज पे अटेंशन यहाँ पे साउथ बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा और उसका मैग्नेटिक फील्ड यहां तक आ जाएगा और ये आयरन फिलिंग्स को क्या करेगा आयरन फिलिंग्स को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा पता है आपको बिल्कुल सही ऐसा ही होगा। लेकिन अगर मैं इसके रास्ते में यूं बीच में यहां पे एक आयरन शीट ले आऊं ऐसे लेके आया हूं मैं कि जैसे कि ये शीट है आयरन की बनी हुई यहां पे पीस ऑफ आयरन था पीस ऑफ आयरन यहां पे था और ऊपर मैग्नेट था पहले यूं था ना और इसके साथ बहुत सारी आयरन फॉलिंग चिपक गई थी हम इनके दरमियान में ये शीट ले आया हूं मेरे पास आप सुन लोगे एक मैग्नेट के दरमियान में शीट ले आओ तो जैसे आप शीट लेके आएंगे ना बीच में नीचे वाला डीमैग्नेटाइज हो जाएगा उसकी सारी फाइलिंग नीचे गिर जाएगी। जैसे ही आप ये लेके आओगे ये सारे आयरन फिलिंग्स जो है दे विल फॉल एट वंस फॉरन नीचे गिर जाएगी। क्या मतलब अब इसका मैग्नेटिक यहां पर नहीं पहुंच रहा यहां पर मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हो गई है मैग्नेटिक शील्डिंग हो गई है सारा मैग्नेटिक फील्ड जो पहले जब ये शीट नहीं थी तो ये मैग्नेट था आयरन फॉलिंग चिपकी हुई थी इसके साथ और जैसे ही आप शीट लेके आए सारे आयरन फॉलिंग नीचे गिर गई। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक स्क्रीनिंग प्रिवेंटिंग अ रीजन फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन मैग्नेटिक शील्डिंग मैग्नेटिक स्क्रीनिंग तो लिखिए प्रिवेंटिंग अ रीजन Preventing a region from the magnetic field. Removing the magnetic field from a specific region. उसको बोलेंगे बेटा magnetic screening. अच्छा भाई ये डायग्राम बना रहा हूं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूं ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल प्लीज ड्रॉ कर लें आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है नॉर्थ टू साउथ पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू अच्छा ये नॉर्थ है किसी मैग्नेट का ये साउथ है किसी और मैग्नेट का पूरे मैग्नेट ही ड्रॉ किए हुए मैंने। अगर मैं इनके बीच में पीस ऑफ आयरन रख दू ड्रॉ भी करते रहे स्विच करते रहे यहां पे इनके बीच में पीस ऑफ आयरन रख दिया पीस ऑफ आयरन है पीस ऑफ आयरन अब पता क्या होगा ये आयरन
के अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगी ना, होगी कि नहीं होगी? एक साइड नॉर्थ बनेगी, एक साइड साउथ बनेगी। जी बेटा, कौन सी साइड नॉर्थ बनेगी? लेफ्ट साइड कि राइट साइड? बिल्कुल सही है, नॉर्थ है ना। तो नॉर्थ यहां पे क्या इंड्यूस कराएगा? इसके और कलर से डिफरेंट कर लेगा। यहां पे साउथ इंड्यूस कराएगा और यहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये नॉर्थ के करीब ये साउथ है, वो यूं आ जाएंगे। बेटा प्लीज क्वाइट, हाँ बोलो। नहीं, आप देख सकते हैं पहले इस रीजन से ए पॉइंट से या एक्स पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा था। अब ए पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजर रहा और यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजर रहा, एक्स का एक्स पॉइंट से भी मैग्नेटिक फील्ड पहले यहां से पास कर रहा था इस वाले एरिया से, अब यहां से पास नहीं कर रहा। यहां पे क्या हो गया? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। क्या हो गई है? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हो गई है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड गायब हो गया, खत्म हो गया। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन आयरन से स्ट्रॉन्गली पास करती है, आयरन यूज करती है हम मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। मेरी फर्क होगी आपको? अच्छा, सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर पीस ऑफ आयरन रखू, आयरन बॉक्स रख दू, आयरन बॉक्स दोबारा बना रहा हूं, तो क्या होगा? बॉक्स की वॉल से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी, अंदर से नहीं जाएंगी। मैंने इसके अंदर आयरन बॉक्स रख रहा हूं जो अंदर से खाली है, ये बॉक्स है आयरन, आयरन बॉक्स, आयरन रिंग भी कह सकते हैं, ये आयरन बॉक्स या रिंग है, आयरन बॉक्स और रिंग। सुनते भी रहे, बनाते भी रहे। अब पता फील्ड लाइन कैसे जाएगी? ये यहां से यूं आएंगी और यूं जाके यहां से यूं जाएंगी। वॉल से गुजरेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वॉल से। अंदर क्या हो गई है? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रिंग, इनसाइड बॉक्स। ऑल फील्ड लाइन विल पास थ्रू द वॉल्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू वॉल्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन दीवारों से गुजर जाएंगी, अंदर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। यहां पे क्या हो गई है? मैग्नेटिक स्क्रीनिंग, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हो गई है। बेटा ये तो बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गली गुजरती है वॉल्स के थ्रू, अंदर से पास नहीं करेगी, यहां पे मैग्नेटिक स्क्रीनिंग हो जाएगी। बेटा आपके सिलेबस पर नहीं, एक टर्म होती है परमेबिलिटी, ये तुम्हें भी हम कम बताते हैं। परमेबिलिटी इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। तो डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट परमेबिलिटीज होती हैं। तो आयरन की परमेबिलिटी डिफरेंट है, इसलिए इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सराउंडिंग से डिफरेंटली पास होगी, एयर के मुकाबले में स्ट्रांगली पास होती है आयरन के। अगर जो चॉइसेस हो ना ए से बी तक जाने में, एयर के थ्रू जाना है या आयरन के थ्रू जाना है, दे विल प्रेफर टू पास थ्रू आयरन। और ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए।
जहां पे भी आपने मैग्नेटिक को कॉन्सेंट्रेट करना ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत यूज करेंगे, हम कॉइल के अंदर आयरन रख देंगे, उसका फायदा क्या होगा, जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, आयरन मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग कर देगा। प्लीज ड्रॉ कर लें। स्ट्रॉन्गर इसीलिए जहां भी आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर करना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वहां पे आयरन बार प्लेस कर देंगे, आयरन कोर रख देंगे, कोर इसका यूज आप कर सकते हो। देयरफॉर आयरन इज यूज्ड टू मेक द कोर ऑफ कॉइल्स टू फॉर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट। जहां पे भी हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना है वहां पे आप आयरन कोर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करने के काम आएगा। मैं लिखवा दूंगा अभी छोड़ कर। अच्छा भाई इसका फायदा क्या है, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ स्क्रीनिंग, एनीबॉडी व्हाट इज एडवांटेज ऑफ स्क्रीनिंग, क्यों करते हैं स्क्रीनिंग होगी ना मेरा बेटा, अगर आप यहां पे कंपस रखोगे ना प्लॉटिंग कंपस, वो कहीं भी रुक सकती है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं। कंपस क्या करती है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करती है। व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड देयर इज नो अलाइनमेंट, ऊपर भी रुक सकती है, सज्जे खब्बे ऊपर नीचे हर जगह पर रुक सकती है, कहीं भी स्टे कर सकती है। यहां पे तो हमेशा इधर रुकेगी ना, यहां पे तो हमेशा यू रुकेगी ना, लेकिन यहां पे कहीं भी रुक सकती है, नो मैग्नेटिक फील्ड। इसका एडवांटेज क्या है सुनिए, क्या बोल रही है, जो अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ होता है वो बेसिकली मैग्नेटिक साउथ होता है, कंपास हमेशा साउथ की तरफ जाती है। ये इसका नेम टेम, ये नॉर्थ ये साउथ, इस नॉर्थ की तरफ तो नॉर्थ ही जाएगा, वो अर्थ का जियोग्राफिक जो नॉर्थ है उसकी तरफ जाती है क्योंकि वो असल में मैग्नेटिक साउथ है, बताया था मैंने आपको। अच्छा मेरा अगली बात सुनो प्लीज, ऑल ऑफ यू लिसन, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती है बेटा, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होती है विच डू नॉट वर्क प्रॉपरली इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड, कुछ डिवाइसेज ऐसी होती है बेटी जो मैग्नेटिक फील्ड में सही तरह काम नहीं करती, उनके लिए क्या करते हैं, उनके जो डब्बे होते हैं ना वो आयरन के बनाते हैं, उनके जो आउटर केस होते हैं वो आयरन के बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके वोल्ट मीटर, एमीटर, जिनके अंदर पॉइंटर वाले होते हैं, एक तो डिजिटल डिजिट्स आ रहे होते हैं, वो उनकी बात ही कर रहा हूं, पॉइंटर वाले वोल्ट मीटर एमीटर होते हैं, जिनमें पॉइंटर टर्न करता है वोल्टेज बताता है। तो जो पॉइंटर वाले वोल्ट मीटर एमीटर होते हैं अगर वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पड़े होंगे सही रीडिंग नहीं देंगे, इसलिए उनका जो आउटर केस है वो आयरन का बनाया जाता है। आयरन अच्छा मेटल नहीं है, अच्छी मेटल नहीं, क्यों, वाई बेटा, आयरन अच्छी मेटल क्यों नहीं है, इसलिए आयरन अच्छी मेटल नहीं है कि आयरन को रस्ट लग जाता है, आयरन इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, उससे स्ट्रॉन्ग मेटल अवेलेबल है, उससे हल्की भी उसे, लेकिन हम आयरन यूज करते हैं फॉर मैग्नेटिक स्क्रीनिंग। हम आयरन क्यों यूज करते हैं, ताकि तारे की सारी मैग्नेटिक फील्ड आउटर डब्बे से गुजर जाए, आउटर वॉल से गुजर जाए, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड ना गुजरे, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगी हुई है वो खराब ना हो। इज इट क्लियर टू यू, तो लिखिए सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डोंट वर्क प्रॉपरली, सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डू नॉट वर्क प्रॉपरली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस डू नॉट वर्क प्रॉपरली इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। Therefore, their outer case are made up of iron. Therefore, their outer case are made up of iron. So that magnetic screening takes place.
सो दैट मैग्नेटिक स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस, सो दैट मैग्नेटिक स्क्रीनिंग टेक्स प्लेस। जी बेटा, असल में उनके जो पॉइंटर रिटर्न होना होता है वो मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू होना होता है, उसके अंदर अपना मैग्नेट होता है। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो वो पागल हो जाएगा, उसकी मतलब कैलिब्रेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि 2 एम्पीयर करंट को 2.3 एम्पीयर बनाएगा, चेंज हो जाएगी एडी से। तो अब ये भी लिखते नोट की जो मैं लिखवा रहा था, ये भी साथ एक ऐड कर लें, अबव प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड, अबव प्रॉपर्टी ऑफ आयरन ये मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करता है, स्क्रीनिंग भी काम आता है। अबव प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, आयरन यूज करते हैं ना स्क्रीनिंग के लिए, अबव प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड, अबव प्रॉपर्टी ऑफ आयरन इज यूज टू कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट क्या होता है, टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, टू कॉन्सेंट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल्स, यानी शील्डिंग वाली, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गली पास करती है आयरन के थ्रू, ये वाली प्रॉपर्टी इसके साथ इस डायग्राम। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट आप दिखा दें, शोन इन डायग्राम टू, ऐसे बता इससे रिलेट करो। अच्छा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट स्क्रीनिंग, हमने पढ़ लिया मैग्नेटिज्म, असल मैग्नेटिज्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत थोड़े होते हैं, एमसीक्यूज आ जाएंगे, आसान आसान चीजें आएंगी। असल जो कॉन्सेप्चुअल मैग्नेटिज्म है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम पढ़ने लगे हैं। जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप, कॉइल्स, कॉइल्स इलेक्ट्रोमैग्नेट में कॉइल्स होंगे ना, हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बोलना नहीं है प्लीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हाँ भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम देखेंगे कि जब हम करंट पास करेंगे ना कुछ चीजों के अंदर से, तो मैग्नेट बन जाएगी, क्योंकि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और करंट खत्म करेंगे तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि जब करंट पास होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, खत्म होती है तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन ये डायग्राम बनाएंगे, दो बार डायग्राम बनानी है, पेज के आधे पेज पे इधर और आधे पेज पे मिडिल में बनाइएगा, लेफ्ट साइड पे डायग्राम बना रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, पेपर कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड है हॉरिजॉन्टल, क्यों बड़ा हुआ है पेपर बेटा, उठिए दरमियान लिख लो, उठिए बंद करेंगे, मान इस चेयर पे हो जाए, बैठ, अब आप यही बैठे करने आगे, इनके साथ ही बैठना, दोबारा नहीं कहना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड, इसके दरमियान में मैंने कर दिया होल, और यहां से वायर पास की, वर्टिकल वायर, और ये स्विच, बैटरी, रेजिस्टर, रेजिस्टर ओपन स्विच, हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है, यू पड़ा हुआ है, और इसमें से वायर पास हो रही है, यू करके
गेट ये चीज बनाइए मैंने, वायर पास हो रही है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। अच्छा, इसके ऑल अराउंड प्लॉटिंग का, अर्थ का नॉर्थ इस तरफ है, नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, और इसके अराउंड कंपसेस पड़ी हुई है, एक कंपस यहां पड़ी हुई है, एक यहां पे, यू नो ऑल अराउंड वायर्स के प्लॉटिंग कंपस पड़ी हुई है और सब इस तरफ को पॉइंट कर रही है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ जा रही है, टू द राइट। ऑल कंपसेस आर पॉइंटिंग आर अलाइन विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और कंपस पड़ी प्लॉटिंग कंपस, ऑल कंपसेस आर अलाइंड विथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल कंपसेस आर अलाइंड विथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वेयर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ऑल कंपसेस आर अलाइंड विद द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड राइट पे है ना, सब राइट पे जा रही है, अर्थ के नॉर्थ को पॉइंट कर रही है। अब मैं स्विच ऑन करूंगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी, हमें दोबारा डायग्राम बना रहा हूं, स्विच ऑन करके स्विच ऑन कर दिया मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव स्विच क्लोज कर दिया, ये वही हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड है। जी अब जो कंपसेस पड़ी हुई थी वो डिस्टर्ब हो गई, पहले सब राइट पे जा रही थी, अब राइट पे नहीं गई, ये वाली यू हो गई, ऑलमोस्ट यू हो गई, ये बिल्कुल नीचे को हो गई, इस साइड पे हो गई और इस साइड पे हो गई। द प्लॉटिंग कंपसेस आर डिस्टर्ब्ड, उनके पॉइंटर डिस्टर्ब हो गए, दे अरेंज देमसेल्फ इन अ सर्कुलर पैटर्न। मुझे क्या बता रहा हूँ, सीट खाली आ रहे हैं आपको, द कंपसेस आर डिस्टर्ब एंड दे अरेंज देमसेल्फ इन अ स्पेसिफिक सर्कुलर पैटर्न। जी लिखा लिखा, ऑल कंपसेस आर डिस्टर्ब and they arrange themselves, उनके pointer की बात कर रहा हूं, pointer disturbed हो, they arrange themselves in a certain circular pattern, circular pattern, उन्हें अपने आप को ना एक स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज कर दिया। पीछे बैठे हो तो बैठे, पीछे कभी बैठे, पीछे तो बैठे, बस बैठे। हाँ जी जी जनाब, बाबा आपने मुझे बताना, मैं नहीं बता रहा आपको। स्विच ऑफ किया तो कंपसेस अर्थ की तरफ जा रही है, स्विच ऑन किया तो इस तरह अरेंज हो रही है। व्हाट इज द कंक्लूजन, आप साइंटिस्ट हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जब अच्छा मैं स्विच ऑफ करता हूं दोबारा ऐसे हो जाती है, स्विच ऑन करता हूं फिर ऐसे हो जाती है,
ऑफ कर तो ऐसे हो जाती है, ऑन कर तो ऐसे हो जाता हूं, पंगा ले रहा हूं बार बार, हमेशा ऐसे हो रहा है। क्या कंक्लूजन है, क्या सोच रहे हैं आप इसके बारे में, बोले? बिल्कुल स्टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट है, कि जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, बिकॉज प्लॉटिंग कंपास से जब मैग्नेटिक फील्ड पंगा लेगा तो वो डिस्टर्ब होगी ना, जब तक आपको मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन करती है। तो बेसिकली पहली बात ये है, पहली ऑब्जर्वेशन ये है, अब लिखिएगा नहीं मैं लिखाऊंगा आपको, पहली बात क्या है कि जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, एक बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कुलर, यहां पे नॉर्थ साउथ कोई नहीं है, बस एक सर्कुलर पैटर्न है, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा। एक और बात भी है, हाँ भाई एक और बात कौन सी है, द मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू द करंट डायरेक्शन। क्या मतलब, करंट तो वर्टिकल है ना, ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड यू बन रहा है, ये एक प्लॉटिंग कंपास यू जा रही है, इस फिगर के अलॉन्ग करंट यू जा रहा है, फिर वो एक यू जा रही है, एक यू जा रही है, एक यू जा रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल बन रहा है ना, करंट वर्टिकल है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में 90 का एंगल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट डायरेक्शन। अच्छा आया कहां से, मैंने आपको बताया था थोड़ा सा, वैसे ही सुना ही करें, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रुका हुआ होता है, इट इज ओनली अ चार्ज पार्टिकल, देयर इज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो जाता है। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज अ चार्ज पार्टिकल एज वेल एज अ मैग्नेट। सुनो प्लीज, वो कह रहा है जब वायर में करंट पास हो रहा है तो चार्जेस मूव कर रहे हैं, और चार्जेस की मूवमेंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। ये डिटेल ए लेवल में है, यहां पे नहीं है, आपको ऐसे बताया गया, आपको बस इस ऑब्जर्वेशन को देख के लिखना है। ये लिख लिया, डायग्राम बना ली, डायग्राम के नीचे लिखिए प्लीज। बेटा प्लीज सर, हाँ जी जी बेटा, नहीं दोनों के, दोनों की, दोनों के नीचे लिखना है, इस सब में लिखनी दोनों की ऑब्जर्वेशन। इससे एक और चीज भी पता चल रही है कि जब स्विच ऑफ है तो भी कंपासेस एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रुक रही है, स्विच ऑन है तो भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रुक रही है, स्विच ऑफ है तो भी वो मैग्नेटिक फील्ड में है, स्विच ऑन है तो भी मैग्नेटिक फील्ड में है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में ना होती तो किसी भी डायरेक्शन में रुक जाती है, हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तभी रुकती है जब कंपास फील्ड में होती है। तो लिखिए, अबव ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड दैट, अबव ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड दैट अबव ऑब्जर्वेशंस कंक्लूड दैट व्हेन देयर इज करंट इन द वायर, above observations conclude that when there is current in the wire there is a magnetic field around it, when there is current in the wire there is a magnetic field around it, सिंपल वर्ड्स में क्या बोलेंगे कि करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज करंट हैज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो पहला पॉइंट लिखा कि जब करंट पास करते हैं तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। दूसरी बात, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। अगर आप इनकी हेड टेल से अपने डॉट लगाओगे ना, इन डॉट्स को ज्वाइन करोगे तो एक सर्कल बनेगा। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर इज सर्कुलर, मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर। और तीसरी बात क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द करंट डायरेक्शन। This magnetic field is perpendicular to the current direction.
अपने नोट्स के ऊपर बेटा डेट जरूर डाला करो, अपने काम आएगी कभी कभी डेट डाला कि नहीं, अगर आपने किसी से पूछा होता है तो आप एक दूसरे से इस डेट के नोट्स बता दो, उस डेट की आदत बना लो, डेट जरूर डाला करो। ये प्रूफ भी होता है कि इस दिन तुम प्रेजेंट थे क्लास में, कभी अटेंडेंस मार्क नहीं की, अगर आपने तो देखिए मैं नोट लिखे हैं इस डेट नंबर में, जरूर डाला करो। हाँ भाई, 2nd of December। नौ, अब मेरी बात जरा गौर सुनिए बेटा, वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, देखो ना ये वायर है ना, वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, तो क्लॉकवाइज आएगा या एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब मुझे क्या पता कि फील्ड क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, चले एक वायर है करंट हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो फील्ड यू बनेगा, यू बनेगा जब भैया मुझे तो नहीं मालूम कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या करूं, हाउ कैन यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्लॉटिंग कंपास है ना, नहीं है जी प्लॉटिंग कंपास, प्लॉटिंग कंपास रखूंगा वो इधर जा रही है तो मतलब फिंगर यूं करनी है, प्लॉटिंग कंपास जा रखूंगा नीचे जा रही है मतलब फिंगर नीचे ही करनी है, ये फिंगर तो बता ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है ना, जिस तरफ कंपास जाएगी उस डायरेक्शन में होगा ना मैग्नेटिक फील्ड, कंपास में जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं है, कंपास नीचे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड यूं नीचे को है, कंपास ऊपर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, या तो क्लॉकवाइज बनेगा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो बेटा एक रूल है वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, हम चार रूल्स पढ़ेंगे। पहला रूल पता क्या है, इसको बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। क्या कि अगर मैंने वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूं, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल करंट ऊपर जा रहा है तो उसके राइट हैंड में ऐसे ग्रिप करूं, माय थंब शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मेरा अंगूठा किधर हो जहां पर करंट जा रहा है, तो माय कर्ल्ड फिंगर्स, ये जो मेरे नेल्स है ना ये मैग्नेटिक फील्ड का एरो हेड बताएंगे, माय कर्ल्ड फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड यू है, अगर मैं केवल यू नीचे कर दूंगा तो मेरा अब यू हो जाएगा, जिस तरफ नेल्स आ रहे हैं वो एरो हेड है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो जिस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड यू जा रहा है तो मैं थंब यू रखूंगा, करंट यू आ रहा है तो थंब यू रखूंगा, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है अपना थंब राइट हैंड का थंब उस तरफ को कर दे, आपकी जो कर्ल्ड फिंगर्स है आपकी फिंगर की टिप्स कर्ल्ड फिंगर्स वो क्या शो करेंगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, इसको बोलते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल। पहले लिखें तो प्रैक्टिस करते हैं, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिखिए द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, अराउंड द करंट कैरिंग वायर, ऑब्वियसली द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग वायर, the direction of magnetic field around the current carrying wire can be found can be found by using right hand grip rule, by using राइट हैंड ग्रिप रूल, अंडरलाइन कर दो उसको, राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल, दैट इज इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स, दैट इज इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स, इफ वी कर्ल अवर राइट हैंड फिंगर्स, एक मिनट सॉरी बोल राइट हैंड ग्रिप लिखवा रहा हूं, ओके इफ वी कर्ल, नहीं ये मैं बता रहा हूं राइट हैंड ग्रिप दो है, एक मैंने बताया था कॉइल के पोलैरिटी चेक करने के लिए ना, ये मैं बता रहा था राइट हैंड ग्रिप, आई एम सॉरी क्या लिखा आपने, राइट हैंड ग्रिप, दैट इज इफ वी ग्रिप द करंट कैरिंग वायर, सॉरी काटना पड़ेगा, आई एम सॉरी, राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है, दैट इज इफ वी grip the wire, if we grip the wire in our right hand, if we grip the wire in our right hand in such a way, if we grip the wire in our right hand in such a way that thumb is in the direction of current,
the thumb is in the direction of current, then curved finger will give curved fingers will give the direction of magnetic field around the wire. बेटा जिस साइड पे थंब है उस साइड पे अपनी क्या करें, जिस साइड पे करंट है अपना करंट इस साइड पे है तो थंब इधर रखता है, करंट इस तरफ को है तो थंब यूं रखता है, करंट ऊपर को है तो थंब ऊपर को, करंट नीचे को तो थंब नीचे को, जिस साइड पे करंट जा रहा है तो थंब उस साइड पे रखते हैं। तो आपकी फिंगर्स बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। अच्छा बेटा नॉन स्टेडियम प्लीज, यहां पे कौन सी डायरेक्शन बन रही है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, इसके अराउंड ये देखो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। अगर मैं यू कर दूंगा करंट ऊपर को जाएगा ना, ऊपर को करंट ऊपर को जाता तो ये फिंगर यू हो जाती, ये कंपास यू हो जाती, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज बेटा। इससे अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो मैग्नेटिज्म है ना ये थ्री डायमेंशन में होता है और हम पेज जो होता है वो टू डायमेंशन का होता है, तो बार बार ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम है। तुमने इसकी इजी कन्वेंशन निकाल दी, इसे तो मैं इधर बैठा इधर बात हूं, अगर मैं साइड से देखूंगा तो यू नजर आएगा, ये थ्री डी है, अब यू बनाया थ्री डी, मुश्किल है ना बार बार ड्रॉ करना, हर एक को डायग्राम बनाने की नहीं आती। तो अगर आप इसको टॉप से देखें, टॉप से बिल्कुल ऊपर से देखते हैं इस चीज को, अभी आप देख रहे हो साइड से, बेटा देख रहा हूं साइड से तो मुझे यू नजर आ रहा है ना जैसे है। अगर मैं बिल्कुल टॉप से देखूंगा, टॉप से देखूंगा टॉप व्यू, तो क्या नजर आएगा, पेज बिल्कुल सीधा नजर आएगा और वायर यू जाती नजर आएगी, और आपको वायर पूरी नजर नहीं आएगी, वायर का क्या नजर आएगा, क्रॉस सेक्शन, आपको वायर का क्या नजर आएगा, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, हमें सिर्फ ये नजर आएगा, इट इज व्हाट, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर नजर आएगा। अच्छा आप सुनो प्लीज, हमने एक क्राइटेरिया बना दिया, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, ये बॉल नहीं है, लिखा हुआ वायर, इसका मतलब वायर क्यों जा रही है, परपेंडिकुलर टू द पेज जा रही है। अच्छा आप अगर मैं इसके अंदर बना दूंगा क्रॉस, क्रॉस हम यूज करते हैं इनटू द पेज, क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनटू द पेज, और अगर मैं बना दूंगा डॉट, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, क्रॉस यूज करेंगे इनटू द पेज हमेशा, और डॉट यूज करेंगे आउट ऑफ पेज। क्या मतलब, अगर वायर में क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये बॉल नहीं है वायर है, और आपको सिर्फ क्या नजर आ रहा है, इसका वायर पेज के अंदर जा रही है और आपको उसके सिर्फ ये नजर आ रही है गोल चीज, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, और अगर क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब करंट कैरिंग वायर है, करंट डायरेक्शन इज इनटू द पेज, मतलब करंट यूं जा रहा है, और अगर ये डॉट है तो करंट कैरिंग वायर है, करंट आपकी आंखों की तरफ आ रहा है, ठीक है, करंट डायरेक्शन इनटू द पेज, करंट डायरेक्शन इनटू द पेज, अगर डॉट बना हुआ है तो करंट डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज, वायर में डॉट बना हुआ है, करंट डायरेक्शन आउट ऑफ पेज, जी जी बिल्कुल लिखते हैं, क्रॉस यूज करेंगे इनटू द पेज के लिए, डॉट यूज करेंगे आउट ऑफ द पेज के लिए, जी क्या मतलब इस क्रॉस का, इसका मतलब पता है क्या आपको, ऑल ऑफ यू प्लीज जिसको समझ में नहीं आ रहा, पापा भी इधर देखिए, ये पेज है और इस पे यू वायर गुजर रही है, वायर इज नॉर्मल टू द पेज 90 के एंगल पे यू गुजर रही है वायर, हमें सिर्फ ऊपर से नजर आ रहा है, हमें क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है,
और करंट डायरेक्शन इनटू द पेज है, मैं आगे सोचो कि कोई इमेजिनरी वायर है पेज के ऊपर। अब मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है, इसका वायर का क्रॉस सेक्शन, और ये पेज है पेज। ये चीज आपको समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं आपको, कि ये वायर गुजर रही है और आपको सिर्फ सर्कल नजर आ रहा है, पूरी वायर नजर इसका क्रॉस सेक्शन नजर आ रहा है, मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। तो क्या यूज करूंगा, राइट हैंड ग्रिप रूल। मैं सपोज करूंगा यहां पे कोई वायर है जो यू पड़ी हुई है और जिसमें करंट इनटू द पेज आ रहा है, तो मेरा अंगूठा उधर को होगा इनटू द पेज, करंट जो इनटू द पेज है तो थोड़ा इस साइड पर होगा, तो मेरी फिंगर्स कैसे टर्न हो रही क्लॉकवाइज, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्लॉकवाइज होगा। इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज। सिमिलर एक मिनट, अगर यहां पर डॉट बना हुआ है, आपको कहा जाता है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड करंट डायरेक्शन इज, इसका मतलब ये हुआ कि वायर यूं पड़ी हुई है, आपको नजर नहीं आ रही, आपको सिर्फ सर्कल नजर आ रहा है। तो अंगूठा मुझे जब मैं इसको ग्रिप करूंगा तो मैं यूं ग्रिप करूंगा ना, थम करंट की तरफ होना चाहिए ना, करंट आउट ऑफ द पेज है ना, तो थम भी आउट ऑफ द पेज, करंट मेरी तरफ है तो थम भी मेरी तरफ होगा। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, आपकी फिगर्स कैसे कर्व हुई है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बना देंगे। तो अगर तो इनटू द पेज है, मैंने पता कैसे याद किया, सी से क्रॉस, सी से क्लॉकवाइज, सी से क्रॉस, सी से क्लॉकवाइज, क्रॉस की फील्ड लाइन क्लॉकवाइज बनेगी, तो डॉट की एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। मतलब ये कि अगर आप यहां पे कंपास रखोगे ना तो ये यू जाएगी, यहां पे रखोगे यू जाएगी, यहां पे रखोगे यू जाएगी, यहां पे रखोगे यू जाएगी, ज्वाइन करोगे सर्कल बनेगा। डॉट का मतलब होगा कि कंपास यू जाएगी, ये वाली कंपास यू जाएगी, ये वाली कंपास यू जाएगी, ये वाली कंपास यू जाएगी, ज्वाइन करो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो क्रॉस का फील्ड क्लॉकवाइज, डॉट का फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। जी बोलो सर, ये बैटरी पे डिपेंड करता है, बैटरी पे डिपेंड करता है, बैटरी नहीं दिखाई ना उन्होंने सर। अगर आपको बैटरी देखो, अगर तो बैटरी दिखाई है तो मसला ही नहीं है ना, ये करंट यू जा रहा है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड तुम कैसे ड्रॉ करोगे, पेज पे ये यू बनेगा, यू करके यू सर्कल बनेगा। तो 3D डायग्राम बनाने की मुश्किल होती है, तो आप यू नहीं बनेगा, ऑपोजिट साइड पर बनेगा। तो हम पता क्या करते हैं, हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर शो करेंगे, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट। क्रॉस का मतलब होगा करंट डायरेक्शन इनटू द पेज, डॉट का मतलब होगा आउट ऑफ द पेज। अच्छा ये कन्वेंशन आई कहां से, मैं जस्ट योर नॉलेज बताता हूं कहां से आई कन्वेंशन। कभी आपने स्क्रू देखा, इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से यहां पर क्रॉस होता है, स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, यहां पर डॉट होता है। अच्छा सुनो, अगर ये वॉल है, वॉल दीवार, अब पहली मेरी बात सुनिए, आप जवेरिया और आप सुमेगा, जवेरिया मुझे बताएं, मेरा हाथ जो घूम रहा है ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उस सही बोले बच्चों के लिए क्लॉकवाइज है, आप बताओ एंटी क्लॉकवाइज। जब आप एक ही रोटेशन को इस साइड से देखोगे तो क्लॉकवाइज लगेगा, ऑपोजिट साइड से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, पता है आपको, नहीं पता तो सुन ले, एक ही रोटेशन को दोनों साइड से देखे तो चेंज, व्हील को इस साइड से देखेंगे क्लॉकवाइज, उस साइड देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे लगेगा। सुनो प्लीज, अब जब आप इस स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इनटू द वॉल जाता है, क्रॉस को इस स्क्रू को मैं स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं इनटू द पेज, तो इनटू द पेज क्लॉकवाइज। और जो बंदा यहां खड़ा होगा ना यहां, उसको क्या नजर आएगा, दीवार से डॉट बाहर आ रहा है, डॉट डॉट बाहर आ रहा है, और उसे क्या लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज, डॉट क्या बनता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज फील्ड डॉट होता है। तो क्रॉस यूज करेंगे इनटू द पेज के लिए, यहां पे डॉट नजर आएगा उसको, डॉट ये डॉट, यहां पे क्रॉस, जिस स्क्रू से इन्होंने कन्वेंशन निकाली हुई है। तो क्रॉस का मतलब है क्लॉकवाइज, डॉट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। हम कल नीचे बात करेंगे, दो मिनट बैठे रहेंगे, इसको स्टॉप करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी डांट भी रिकॉर्ड हो।